तो बात करेंगे अगर शनि और मंगल या फिर मंगल और शनि किसी भी जातक की कुंडली में दशम भाव में अगर स्थित हो तो कैसा परिणाम दे सकते हैं। मंगल और शनि का दशम भाव में स्थित होना ये दर्शाता है कि जातक कोई ना कोई इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में होगा, या वो पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ हो सकता है, बहुत अच्छे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर वो हो सकता है। इसके अलावा जातक को मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, अच्छा रेस्पेक्ट उसको सोसाइटी में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मंगल और शनि की प्लेसमेंट को पूरा चेक करना पड़ेगा, आपको डिग्री वाइज डिफरेंस देखना पड़ेगा और आपका 10th लॉर्ड कहाँ है वो भी देखना पड़ेगा। 10th लॉर्ड का मजबूत होना बहुत जरूरी है इन दोनों के अच्छे परिणाम पाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मंगल और शनि अगर 10वें घर में हैं तो आपको कुछ नकारात्मक रिजल्ट देंगे या फिर आपका प्रोफेशन ठीक से आप तय नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से एक मेहनती इंसान के रूप में नजर आ सकते हैं। जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बनता है, जातक अपनी मेहनत से अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार की कंजक्शन की वजह से आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में या रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग हो गया या शनि से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोहे से संबंधित कोई काम है। साथ ही साथ ये जो है मंगल और शनि का यहाँ होना वो आपके बॉस के साथ आपके संबंध अक्सर खराब करता रहेगा, और जातक काफ़ी ज़्यादा क्रूर नेचर का होगा और वो किसी भी प्रकार के कितने भी बड़े टारगेट को हासिल करने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मंगल यहाँ शनि के साथ है जो आपको एक साहस देता रहेगा। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत आती है प्रोफेशन को लेके जहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पर आपको मंगल साहस देते हैं। इसके अलावा ऐसे कंजक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपका करियर जरूर थोड़ा लेट सेटल होगा 30 या 35 के बाद ही, बट अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत पे बहुत कुछ डिपेंड होगा यहाँ पे, तो जितनी ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतना जल्दी आप अपनी मेहनत से अपने करियर को सेट कर सकते हो। अब ये स्थिति में आपका संबंध कहीं ना कहीं विदेश से भी हो सकता है, तो विदेश से आप जुड़े हुए हो सकते हैं अपने प्रोफेशन के माध्यम से, हो सकता है आप कोई सर्विस फॉरेन में देते हों। साथ ही आप अपने खुद की एफर्ट के बल पे अपनी पहचान बनाएंगे इस कंजक्शन के होते हुए। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल और शनि के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है। अगर डिग्री डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अगर मंगल बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हुआ तो फिर आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शनि क्योंकि पब्लिक के द्वारा सहमति या मान सम्मान के लिए हम देखते हैं तो शनि यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर मान सम्मान दिला सकता है लोगों से, तो सोसाइटी में लोग आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट करेंगे, आपके अपने काम की वजह से आपकी एक अच्छी इमेज बन सकती है। साथ ही आपका संबंध या आपके प्रोफेशन का संबंध लोअर क्लास पीपल से हो सकता है, और हो सकता है कि आप उनके कल्याण के लिए उनके भले के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हो। साथ में आप अपने घर पे या अपने किसी भी काम में किसी को काम पे रखेंगे या लोअर क्लास के किसी पीपल को रखेंगे तो उसके लिए आप बहुत कुछ करेंगे। तो इस प्रकार से एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड करियर भी आप चुन सकते हैं, लेकिन अगर मंगल ज़्यादा पावरफुल हुआ तो आपको इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन या इस प्रकार के कार्यों की तरफ जाने की तरफ रुझान दिखाता है। साथ ही साथ कोई ऐसी स्थिति जहाँ पर युद्ध से संबंधित कार्य होते हों, हथियारों से रिलेटेड काम होते हैं, वहां भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं प्रोफेशन में। इस प्रकार के जातक अक्सर अपनी मेहनत से ही सबसे ज़्यादा सफल होते देखे जा सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका शनि और मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के मंगल और शनि स्वामी होंगे उन भावों के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते होंगे, जो आपके रिलेशंस होंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ सकता है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ेंगी आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस पर जब दृष्टि पड़ रही है तो डोमेस्टिक लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि जातक अपने करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस करेगा। अब ये जो स्थिति है शनि और मंगल की, इसमें हो सकता है कि शुरुआती जीवन में जब आप अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तब हो सकता है आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़े, लेकिन एक समय ऐसा भी आपके लाइफ में ज़रूर आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको थोड़ी सी मेहनत करके ही बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको शुरुआती जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको अपनी यंग एज में सब कुछ अपने करियर के पीछे लगाना होगा, तब जाकर आप अपनी एक अच्छी इमेज सेट कर पाएंगे। तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं हार्डवर्क को दिखाता है। अब आप वो हार्डवर्क कब करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही वक्त पे हार्डवर्क कर लेते हैं तो आपकी एक अच्छी पहचान बन जाती है, आपका करियर अच्छा सेट हो जाता है। दूसरा, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित वो रिजल्ट अवश्य देते हैं, भले ही थोड़ा लेट देते हो।
तो शनि यहाँ पर आपको अवश्य ही करियर में आगे लेकर जाएंगे और विशेषकर मान सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है क्योंकि शनि का जो एस्पेक्ट रहेगा, शनि का एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पे भी है, 4थे पे भी है और शनि काफ़ी सारे और चीज़ों को भी प्रभावित करेंगे, आपके उन भावों को भी प्रभावित करेंगे जहाँ उनकी दृष्टि जा रही है और उन भावों के रिजल्ट को प्रभावित करेंगे जहाँ वो अपनी लॉर्डशिप रखे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ अलर्ट भी रहना पड़ेगा और एक तरीके से शनि अष्टम भाव को भी देख रहे होंगे यहाँ से। तो अष्टम भाव को जब वो देख रहे होंगे तो आपकी लाइफ में जो भी सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो थोड़ी डिले हो सकती है और आपको आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उनसे जो फ़ायदा आपको होगा वो काफ़ी डिले से हो सकता है। लेकिन अगर अग्नि तत्व राशियों में इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा हो तो मंगल ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उस वजह से आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिलेंगे। अगर शनि वक्री स्थिति में है तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, अगर मंगल वक्री स्थिति में आ गया तो मंगल की वजह से आप काफ़ी क्रूर हो सकते हैं और मंगल की जो फोर्स है काफ़ी नेगेटिव तरीके से भी काम कर सकती है यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ मैनेज करना होगा और किस प्रकार से ये कंजक्शन आपके चार्ट में काम करता है, अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग तरीके से काम करेगा, बट आपको इस कंजक्शन को समझ के एक सही दिशा में जाने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा सबसे गहरा प्रभाव क्योंकि चौथे भाव पर ही पड़ेगा और मंगल तो क्योंकि पंचम को भी देखेंगे और लग्न को भी मंगल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक साहस आपको प्रदान कर रहे हैं और आपके एक्शंस, आपका जो काम है, आप कहीं भी किसी भी काम के प्रति कोई एक्शन लेते हैं तो एक्शन ओरिएंटेड होंगे आप, क्योंकि मंगल एक ऐसी फोर्स आपको दे रहा है, बिल्कुल एक एनर्जी दे रहा है मंगल, जिस वजह से आप कोई भी योजना बनाएंगे उसके ऊपर आप बहुत जल्दी काम भी करना शुरू कर देंगे। तो ये काफ़ी एक्टिव बनाता है, प्रोफेशनली आप काफ़ी एक्टिव होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे और उसके अनुसार आप अपना एक्ट करेंगे। तो ये कुछ रिजल्ट हो सकते हैं आपके जब भी मंगल और शनि का कंजक्शन 10th हाउस में बन रहा हो। बाकी इस प्रकार के रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं ये मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।